तो गाइज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि Realme X2 डिवाइस के Realme UI 2.0 के F.26 अपडेट के बारे में। इसी के साथ में हम बात करेंगे Realme X2 Pro डिवाइस के Realme UI 2.0 के F.15 अपडेट के बारे में। जी हाँ गाइज, इसी के साथ में हम बात करने वाले हैं कि गाइज Realme X2 एंड Realme X2 डिवाइस में जो अभी कुछ बग एंड इशू है उन्हें आप कैसे फिक्स करेंगे। जैसे कि गाइज आपका डिवाइस अगर लैग कर रहा है, या फिर गाइस आपके डिवाइस का बैटरी ड्रेन हो रहा है, या फिर गाइस आपके डिवाइस में ना हीटिंग प्रॉब्लम है, तो गाइस उस बग एंड इशू को आप कैसे फिक्स करेंगे इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो गाइस इसके लिए कुछ सेटिंग्स है, वो सेटिंग्स को करने के बाद गाइस आपके डिवाइस के जो बग एंड इशू होंगे ना वो मे बी गाइस फिक्स हो सकता है। सो गाइस इसी वजह से अगर आप भी हैं Realme X2 प्रो डिवाइस के यूजर्स, तो गाइस आप वीडियो को ना शुरू से अंत तक जरूर वॉच करना, बिकॉज मे बी आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि Realme X2 डिवाइस में Realme UI 2.0 के F.25 का अपडेट अभी फिलहाल में रन कर रहा है। एंड गाइस अगर बात करें गाइस यहां पे Realme X2 Pro डिवाइस के बारे में, तो गाइस Realme X2 Pro डिवाइस में Realme UI 2.0 के F.14 का अपडेट रन कर रहा है। एंड गाइस यहां पे Realme X2 डिवाइस में F.26 का भी अपडेट देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। एंड गाइस Realme X2 Pro डिवाइस में F.15 का भी अपडेट आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। गाइस इसी के रिगार्डिंग मैंने Realme के कस्टमर केयर से बात किया था। एंड गाइस उसका इंफॉर्मेशन आप लोगों को मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी दे दिया था, लेकिन बहुत सारे कॉमेंट्स आ रहे थे कि भाई Realme X2 एंड Realme X2 Pro डिवाइस में ना कुछ बग एंड इशू हो रहा है, तो इसे हम कैसे फिक्स करेंगे। तो गाइस इसके बारे में तो हम बात करेंगे। एंड गाइस आप लोग को बता दें कि ये कॉन्फर्म है कि Realme X2 एंड Realme X2 Pro डिवाइस में फ्यूचर में कोई भी बग फिक्स अपडेट देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। जैसा कि गाइस हमने Realme कस्टमर केयर से बात किया था, तो गाइस उन्होंने बताया था, जिसका रिकॉर्डिंग आप लोग को हम एक वीडियो में सुना भी दिए थे। अगर आप लोग वीडियो को देख लिए होंगे तो ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग वीडियो को नहीं देखे होंगे तो चैनल पर जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। अगर बात करेगा यहाँ पे कि Realme X2 एंड Realme X2 Pro डिवाइस में ना जो कुछ बग एंड इशू देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी दिनों से अपडेट देखने के लिए नहीं मिला है, तो ऑब्वियसली कुछ बग एंड इशू तो देखने के लिए मिला है ही, जैसे कि हीटिंग प्रॉब्लम, लैगिंग प्रॉब्लम, बैटरी ड्रेन का इशू। तो गाइस अगर ये भी इशू आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, तो गाइस आप लोगों को हम एक सेटिंग बता रहे हैं, मे बी गाइस वो सेटिंग को सेट करने के बाद आपके डिवाइस में जो बग एंड इशू होंगे वो दूर हो सकता है, इट मीन्स यार वो फिक्स हो सकता है। तो गाइस सबसे पहले ना आप लोगों को क्या करना है यार, एक बैकअप या फिर रीसेट का नाम जानते होंगे। जहाँ पे अगर आप चाहते हैं तो अपने डिवाइस को बैकअप या फिर रीसेट मार सकते हैं, लेकिन बैकअप या रीसेट मारने से पहले कुछ बातें हैं जिसे आप ध्यान में रख के अपने डिवाइस को बैकअप या फिर रीसेट मारना। अगर बता दें वो बातें, तो गाइस वो है ना कि आप अपने डिवाइस का जो भी डाटा होगा वो दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर कर लेना, क्योंकि गाइस जैसे ही आप अपने डिवाइस को बैकअप या फिर रीसेट मारेंगे ना, तो आपके डिवाइस का जो भी डाटा होगा वो डिलीट हो जाएगा। उसके बाद गाइस आपके डिवाइस का जो अकाउंट होगा ना, उसका ID पासवर्ड आप याद रखना, क्योंकि आपका डिवाइस जैसे ही बैकअप या फिर रीसेट होगा एंड ऑन होगा, आपका डिवाइस ऑन होते वहां तक आपके डिवाइस में सबसे पहले जो स्क्रीन पे आएगा वो वाइज आएगा कि आप अपना अकाउंट डाल के अकाउंट एंड पासवर्ड, वो आपको लॉगिन करने का ऑप्शन देगा। तो आप इसी वजह से आप अपने डिवाइस का जो भी अकाउंट बनाए होंगे तो उसका ID पासवर्ड याद रखना, उसके बाद ही अपने डिवाइस को रीसेट करना है। अगर बात करेगा जी यहाँ पे कि रीसेट करने से क्या कुछ ये बग फिक्स हो सकता है, तो मे बी गाइस फिक्स हो सकता है, क्योंकि आपके डिवाइस की जो डेटा होंगे ना वो तो खाली हो जाएंगे, लेकिन गाइस ये रीसेट तभी करना आप अपने डिवाइस को जब आपके डिवाइस का ना लैगिंग इशू कुछ ज़्यादा ही हो, तभी आप करना। अगर आपके डिवाइस में हल्का फल्का भी अगर लैगिंग इशू देखने के लिए मिला है तो रीसेट बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि गाइस यहाँ पे ना आप लोगों को मालूम होगा कि कोई भी बग फिक्स अपडेट तो देखने के लिए मिलने वाला नहीं है, तो बग एंड इशू तो देखने के लिए मिलेगा ही। एंड जब तक आप डिवाइस चल रहा है तो डिवाइस को यूज़ भी करना है, तो अगर कुछ ज़्यादा ही आप लोगों को लैगिंग इशू देखने के लिए मिले तब आप अपने डिवाइस को उस हालत में आप रीसेट कर सकते हैं। अगर कुछ ज़्यादा ही देखने के लिए मिला है, अगर वो डिवाइस चल नहीं रहा है, तो उस हालत में आप अपने डिवाइस को रीसेट करना है। अगर नॉर्मल दिख रहा है, नॉर्मल है यार आप लोगों को लैगिंग इशू, तो बिल्कुल भी आप अपने डिवाइस को रीसेट मत करना। तो गाइस रीसेट करने से पहले जो बता दिए वो चीज़ को जरूर ध्यान रखना, रीसेट करने से पहले आप अपने अकाउंट का ID पासवर्ड याद कर लेना। एंड गाइस आपके डिवाइस में जो भी डाटा होंगे वो दूसरे डिवाइस में ट्रांसफ़र कर लेना,
क्योंकि गैस यहाँ पे जो आपके डिवाइस का जो डाटा होगा ना वो रीसेट जैसे ही आप अपने फ़ोन को करेंगे वो तो डिलीट हो जाएगा। एंड फिर से आप लोग को बता दूँ कि आईडी पासवर्ड जरूर याद रखना। एंड गैस अगर आपके डिवाइस में ना कुछ ज़्यादा ही लैगिंग इशू दिख रहा है तभी आप अपने डिवाइस को रीसेट करना। तो गैस यही कुछ था, देख लो आप लोग रीसेट करके, हो सकता है कि मे बी गैस आपके डिवाइस के जो बग एंड इशू होंगे ना वो मे बी वो ख़त्म हो सकते हैं, क्योंकि गैस यहाँ पे आपके डिवाइस का डाटा खाली हो जाएगा, फोन जो होगा ना वो बिल्कुल भी यहाँ पे क्लीन हो जाने वाला है। तो गैस इसी वजह से कुछ लैगिंग इशू जो होगा ना वो ख़त्म तो एकदम नहीं होगा लेकिन हल्का फल्का कम हो जाएगा लैगिंग इशू। सो गैस आप यहाँ पे हो सकता है रीसेट करके देख सकते हो, मे बी गैस रीसेट करके देख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो खैर गैस यही कुछ ट्रिक था जो कि आप लोग को बता दिया है। तो आई होप गैस कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और इस वीडियो के बारे में अगर आपका कोई भी ओपिनियन हो ना तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड गैस ये वीडियो को आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। तो गैस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।